स्वागत है आपका बुद्धि सही अपडेट न्यूज़ में। मैं कृष्णकांत सिंघारी, अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। हाल ही में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते विजेता प्रत्याशियों को प्रदान किए गए प्रमाण पत्र, कलेक्टर रहे मौजूद। शहर की जर्जर बदहाल और गड्ढों वाली सड़कों के विरोध में विधायक सहित नगर के जिम्मेदारों ने बड़ा बाजार में जलाई कैंडल। सत्ता पक्ष के विरोध में गूंजे स्वर, श्रेया चौबे को दी श्रद्धांजलि। जिला पंचायत के सभागार में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ग्रामीण चुनावों में विजयी उम्मीदवार प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचे, जहां कलेक्टर उमा शंकर भार्गव सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। जो कार्यक्रम था उसके कार्यक्रम के तहत आज सारणीकरण यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के लिए संपन्न किया गया है, और जो 19 निर्वाचन क्षेत्र हैं जिला पंचायत के, उसका सारणीकरण संपन्न करके और जो सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं उसकी घोषणा की गई है, और कुछ लोग प्रमाण पत्र यहाँ से ले भी गए। हमारा सारणीकरण संपन्न होकर के कार्यवाही हमने पूरी समाप्त कर दी है। सिरोही तहसील की ग्राम पंचायत हमीरगढ़ से बड़ी संख्या में हरिजन आदिवासी के साथ ग्रामीण जन एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पूर्व सरपंच द्वारा उसके पक्ष में वोटिंग ना करने पर मारपीट व छेड़खानी की जा रही है। वर्तमान महिला सरपंच के साथ ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई व सुरक्षा की मांग की है। सरपंच फेल को पुरान किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहा है? जब बात को कर रहा है वोट नहीं ला चमर जी, क्या तुमने वोट नहीं दे, तुमने बस सरपंच दे दे, हमें नहीं था। किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है? इस तरीके से ही कर रहा हूँ। हाँ, इस तरीके से कर रहा है, हमें वोट क्यों नहीं दे, उन्हें क्यों दे रहा है? मारपीट कर रहा है, रास्ता बंद कर रहा हूँ। अमीरगढ़ पंचायत कौन सी तहसील में? सिरोही में। आज किस संबंध में आप यहाँ पर एसपी कार्यालय पहुँचे? पूर्व सरपंच है ना, वो हरिजन समाज को परेशान कर रहे हैं, सभी को परेशान करते हैं गांव में। पूरे गांव को? पूर्व सरपंच कौन? माखन सिंह यादव। किस बात को लेकर परेशान कर रहे हैं वो? हम जी हार गए ना उनका कैंडिडेट, इसलिए इन सब को। इन हरिजन लोगों को क्यों परेशान, क्या क्या वजह थी? नहीं, इनसे बोलते हैं आपने वोट नहीं दिए हमें तो हम आपको हमारे रास्ते में से नहीं निकलने देंगे। गाली उनके भाई परे शराब पीकर परेशान करते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शहर की बदहाल सड़कों पर आवागमन खतरों से खाली नहीं है। जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, बड़े बड़े गड्ढे उभरे हुए हैं और जर्जर सड़कों पर चार दिन पूर्व ही 12 वर्षीय श्रेया चौबे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बदहाल और जर्जर सड़कों के विरोध में विधायक शशांक भार्गव के साथ शहर के व्यापारी, सामाजिक व धार्मिक संगठन के लोगों ने गुरुवार की शाम को बड़ा बाजार क्षेत्र में दुर्घटना स्थल पर मृतिका श्रेया को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि व्यक्त की।
वहीं विधायक सहित सभी ने सड़कों को सुधारने की मांग सरकार से की है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं पर कटाक्ष भी किया गया। शहर की सड़कों की दुर्गति से सभी परेशान हैं। कार्ड के अंदर कानून के अंदर एक कार्ड धारा है, उसके अंतर्गत प्रशासन से मांग करना चाहिए। एक प्रशासन की गलती है, उसी गलती के कारण एक हस्ती हाथी रेलती बढ़िया आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, आज और कल में भी कई घटनाएं आप तक पहुंची हैं, इसको लेकर क्या करें? उसके लिए पूर्णतः हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने देखा कि अगर कोई मुख्यमंत्री का गुंडा और गुर्गा कोई केस कर देता है तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, उसका मैं उदाहरण हूँ। मैं आज तक अपनी 3 साल में FIR नहीं करा पाया, कुछ गुंडों ने मेरे कार्यालय पर हमला किया था। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का वरदहस्त यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और गुर्गों को प्राप्त है, जिसकी वजह से पुलिस भी अपने आप को असहाय महसूस करती है, जिसकी वजह से ये घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जनता उनकी है, पूरे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, इस तरह का पक्षपात विदिशा की जनता के साथ ना करें और इन घटनाओं को रोकने में कड़ी कार्रवाई करें। भले ही उनके सहपाठी ये कर रहे हैं, उनको भी सजा दिलाने का काम करें। आज श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्या घटनाक्रम है, कौन जिम्मेदार है और क्या आपकी मांग? जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 दिन पूर्व हमारी प्यारी लाडली बिटिया श्रेया का देहांतवास इसी चौराहे पर एक गड्ढे में उनकी साइकिल फंसने की वजह से हो गया था। इसके लिए पूर्ण रूप से विदिशा के जो नेता हैं, जो नगरपालिका अध्यक्ष थे और पिछले 17 सालों से जो इस शहर में राज करते आ रहे हैं, वो पूर्णतः जिम्मेदार हैं। बड़ा हास्यास्पद बात है कि जब CMO से ये पूछा गया पत्रकारों ने कि क्या कारण है इसका हादसे का, तो उन्होंने कहा आगे हम कार्य योजना अच्छी बनाएंगे और इनको ठीक करेंगे। मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात कहने में कि एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह की बात कर रहा है, जो 17 साल से नहीं हुआ अब आगे कार्य योजना बनाएंगे, पिछले 17 साल तक क्या करते रहे, इसका हिसाब किताब पूछने वाला उनसे कोई नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि सैया भय कोतवार तो डर काय का, माननीय मुख्यमंत्री के गुंडे और गुर्गों का राय है और वो कुछ भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। मैं विदिशा की जनता की ओर से मांग करता हूं कि इस चौराहे का नाम हमारी बिटिया श्रेय चौबे के नाम से रखा जाए और दोषी अधिकारी और नेताओं को सजा दी जाए, जिससे कि आगे आने वाले कल में इस तरह की घटना ना हो। शहर में तमाम जगह ये एक ही गड्ढा है, सैकड़ों जगह ऐसे गड्ढे खुले हुए पड़े हैं, तमाम सब इंजीनियर अलग अलग मौके पर तैनात हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी आज काम करने को इसलिए तैयार नहीं है कि ऊपर के नेताओं का डंडा जो है वो उनको काम नहीं करने देता। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष राजेश जैन के साथ व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा है। ओके सर, मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। अभी पिछले दिनों जो GST काउंसिलिंग की बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अनाज पर जैसे गेहूं, चना और छोटे छोटे जो हमारे छोटे व्यापारी पैकेजिंग करते हैं, साथ ही साथ गुड़ में 5% GST की अनुशंसा करी है, जो कि 18 जुलाई यानी 4 दिन बाद लागू होने की अनुशंसा करी है। हम यहां पर माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी से, हमारे वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि पिछला 2 साल छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा भयावह निकला, कोरोना काल था और कोरोना काल में मुश्किल से रोटी रोजी चली,
और ऐसे समय में अगर इन छोटे व्यापारियों पर इस तरह का कोई भी कर लाद दिया जाएगा तो आने वाला समय, चूँकि वो धीरे धीरे सर्वाइव कर रहे हैं, तो आने वाला समय उनके लिए बड़ा दिक्कत का होगा। क्योंकि गांव में आटा चक्की हैं, छोटे व्यापारी हैं जो 5 किलो 10 किलो अनाज अपना पैक करके दे देते हैं, छोटे व्यापारी मंडी में हैं, तो इससे एक तो कर चोरी ही बढ़ेगी। कई लोग जो 5% बहुत होता है, 2000 में 50 रुपये, मान लो 2000 रुपये गेहूँ है, 50 रुपये होता है 5% बेचेंगे, इससे जो कर देते हैं व्यापारी उनके भी, उनको भी दिक्कतें आएंगी। तो हम यहाँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी निवेदन करते हैं कि इस कर को ना लगाया जाए। धन्यवाद। श्रावण मास के प्रारंभ मौके पर विनायक बैंकेट हॉल में शहर के वरिष्ठ प्रबुद्धजन धार्मिक व सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है और सभी धर्म का लाभ ले रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। देश में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के स्वागत व सम्मान के लिए भोपाल की ओर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता रवाना हुए। शिवराज जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवराज जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भोपाल आगमन उनका हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनकी अगवानी के लिए आतुर हैं। सब भोपाल पहुँचकर उनका स्वागत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा और प्रदेश के लाडले नेता माननीय शिवराज जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने जनजाति वर्ग की हमारी बहन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वास्तव में पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारे ऐसे वर्ग के व्यक्ति को देश का सर्वोच्च पद मिलने जा रहा है, जिस वर्ग ने कभी कल्पना नहीं की थी। हृदय से हम सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं और आदरणीय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बहन जी को शुभकामनाएं। डंडापुरा क्षेत्र की मेन रोड पर बारिश के पानी का जमावड़ा होने से राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कें भी खुदी पड़ी हैं। देखिए आप डंडापुरा क्षेत्र की बदहाल सड़क। भैया वो पति तेरा पास में
बाद ये हालात है, देखिए आप, नगर पालिका पूरी गठित हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अच्छा, नगर पूरे प्रदेश पूरे शहर में ये ऐसे हाल चाल है। डंडापुरा क्षेत्र में देखिए, गली गली जाएगी, घरों में पानी भरा हुआ है। डंडापुरा क्षेत्र है ये, डंडापुरा क्षेत्र है ये, पूरा वार्ड क्रमांक 12 और वार्ड क्रमांक 11 और वार्ड क्रमांक 24 का मध्य बीचों बीच का हिस्सा है ये। या यही स्थिति रहती है पूरे क्षेत्र की, यही स्थिति है। आप मानस स्कूल तरफ चले जाइए, पान बाग तरफ चले जाइए, पटेल गार्डन तरफ चले जाइए, डंडापुरा से जो खाई की रास्ता निकलती है वो जो बीच में से नाला निकला हुआ है वहाँ चले जाइए, सब में यही हाल है। अब बच्चे स्कूल के बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए निकलेंगे कहाँ जाएंगे? आगे एक्सीलेंस स्कूल है, न्यू चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल है, शाइनिंग स्टार स्कूल है, कैसे जाएंगे बच्चे? क्या हालात होंगे यहाँ? जल्दी जल्दी कोई अच्छा कदम होगा? नहीं हो रहा, मुझे ऐसे मुझे लगता नहीं है कुछ हो सकता है। बच्चे को लाने ले जाने में डर लगता है, गाड़ी स्लिप हो गई तो नाले में पानी इतना भरा हुआ है कि आधी गाड़ी डूब गई। शहर में चारों तरफ कहीं चले जाओ सब जगह स्थिति है। धन्यवाद। डंडापुरा का ही आ रहा है और जिंदगी कॉलोनी में खूब रोड हो रहा है और गड्ढे हो रहे हैं बहुत गहरे गहरे और इतना हो रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। गाड़ी निकलना मुश्किल हो रही है, इतने गड्ढे हैं। कल तो गाड़ी फंस गई थी पूरी, बड़ी मुश्किल से निकली। नहीं रहता पानी, हाँ उधर पटेल गार्डन पीछे जो है बड़ी मुश्किल। आज की खबरों को देते हैं यहीं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि सही एमटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त।